गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास ट्वेल्थ में चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5 सी पा रहे हम। क्वेश्चन नंबर 11 में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफरेंशिएबल फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। वी नो दैट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, हम जानते हैं कि प्रत्येक डिफरेंशिएबल फंक्शन इज आल्सो कंटीन्यूअस। जब कंटीन्यूअस है तो पहले कंटीन्यूअस होने का फायदा उठाओगे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ वन माइनस एच, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। अब यहाँ पे वन माइनस एच है एक से लेस देन, तो उसकी वैल्यू रखेंगे इसमें। यहाँ पे वन माइनस एच लेस देन के लिए फंक्शन डिफाइन यहाँ पर है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी फोर प्लस ए, एच की जगह रखेंगे इसमें जीरो। ऐसी राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, उसमें वन प्लस एच आ जाएगा, उसमें ये वाली वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे एक्स की जगह वन प्लस एच रखेंगे, एच की जगह जीरो आ जाएगा, बी प्लस टू। तो ऐसी फंक्शन की वैल्यू एक्स इजिकल टू वन पे ये फंक्शन यूज करेंगे, इसमें एक्स की जगह वन रख देंगे तो फोर प्लस ए आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होती है कंटिन्यूअस होने पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट फोर प्लस ए, राइट हैंड लिमिट बी प्लस टू, और फंक्शन की वैल्यू फोर प्लस ए। तो इसे सोल्व करके हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हम सेकेंड जो इसमें प्रॉपर्टी दे रखी है, मतलब कि डिफरेंशिएबल दिया था, तो इसको यूज करेंगे। डिफरेंशिएबल कब होता है? जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होता है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लें, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एफ वन माइनस एच माइनस एफ वन अपॉन माइनस एच। अब यहाँ पे वन माइनस एच के लिए इसको यूज करा, इसमें एक्स की जगह वन माइनस एच रखा, और वन के लिए इसमें एक्स की जगह वन रखा माइनस एच, इसको सोल्व कर दिया। सोल्व करने पे इसे हमारी वैल्यू आ गई फाइव। अब हम निकाल लेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए यहाँ वन प्लस एच आता है, नीचे प्लस का एच माइनस एफ वन, वन प्लस एच, एक्स वन प्लस एच का मतलब एक से ज्यादा है, ग्रेटर देन वन। तो ग्रेटर देन वन के लिए फंक्शन यूज होगा बी एक्स प्लस टू, यहाँ एक्स की जगह वन प्लस एच रख देंगे। तो इसमें इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी, सोल्व कर दिया, तो इसमें दो टर्म बन के आ रही है, एक तो टर्म ये बनी और एक टर्म ये बनी, अलग अलग कर लिया हमने। अब हम ये चाह रहे हैं कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन है a माइनस बी माइनस टू, ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस टू, अगर इसको सोल्व करें तो इसकी वैल्यू यहाँ पे जीरो बैठती है। तो जब ये जीरो हो जाएगा तो ये बचेगी हमारी वैल्यू। तो हमने इसको सोल्व करके दिखाया, इस लिमिट को अलग लिखा, इस लिमिट को अलग लिखा। इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो हमने निकाल रखा कितना है 5, और राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा आया b, क्योंकि इसकी वैल्यू होगी 0, देन b माइनस a इज इक्वल टू 0 फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो यहां से हमने हमारी b की वैल्यू 5 आ गई, b की वैल्यू 5 को फर्स्ट में रख दिया, a की वैल्यू 3 आ गई, a इज इक्वल टू 3 b इज इक्वल टू 5। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप जरूर करेंगे। इससे आगे के क्वेश्चन हम आपके साथ में कल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।